गाइस कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस आज इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लूटूथ स्पीकर का रिव्यू। सो गाइस ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है ये है डेसी वुड की तरफ से, एंड गाइस ह्यूज थैंक्स टू डेसी वुड टू सेंडिंग द स्पीकर आउट। सो विदाउट एनी फर्दर ado लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस एंड गर्ल्स जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारा ब्लूटूथ स्पीकर। एंड गाइस इसका जो सबसे बढ़िया चीज मेरे को अब तक लग रही है गाइस, जो कंपनी ने इसको जिस तरीके से बनाया है बहुत ही बेहतरीन है, बिकॉज इसके अंदर आपको टोटली वुड देखने को मिलता है। तो गाइस ये जो पूरा का स्पीकर है ये हैंडमेडेड है और क्राफ्टेड है वुड से। तो गाइस मतलब कि आपको जो पूरा स्पीकर का जैसे आउटर शेलिंग आप लोग देख सकते हैं ये पूरी वुड से तैयार करी गई है और ये पूरी हैंडमेड है। मतलब ये जो पूरी गाइस कंक्लूजन है इस चीज़ का वो ये है कि इसकी जो ब्लूटूथ स्पीकर की आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा फैबुलस है। एंड गाइस अगर आप लोग इसे सुनते हैं इन पर्सन तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। सो गाइस बेसिकली सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं इस स्पीकर की अनबॉक्सिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप देख सकते हैं ये है इसका बॉक्स। एंड गाइस बॉक्स की बात करी जाए तो गाइस देसी वुड कंपनी ने इसके ऊपर बॉक्स पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है और उन्होंने इसको बहुत ही एलिगेंट बनाने की कोशिश करी, जिसके आप देख सकते हैं। एंड गाइस अगर आप ध्यान से अगर नज़र डालेंगे तो गाइस यहाँ पे आपको पैटर्न जाते हैं जो कि हमारे लाइक इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। शादी के कार्ड्स पर भी ऐसी कुछ टाइप के पैटर्न छपते हैं। तो गाइस ये वाले पैटर्न्स आपको साइड में देखने को मिल जाएंगे। साइज़ डेसी वुड लिखा हुआ गाइस बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लगता है। और जो गाइस ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स भी वुड का बना हुआ है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं एक कंपनी कितना ज़्यादा हर चीज़ पे लाइक दिमाग खर्च कर रही है एंड पैसा खर्च कर रही है कि उन्होंने अपना जो बॉक्स है वो भी वुड का तैयार करा, क्योंकि वो जो आपको स्पीकर दे रहे हैं वो वुड का ही बना हुआ है। एंड जैसे कि आप इसको खोलेंगे गाइस ये देख सकते हैं आप स्लाइडिंग टाइप ऑफ डोर है। तो गाइस आपको स्लाइड करके इसको खोलना पड़ेगा इसका बॉक्स। एंड गाइस राइट अवे हमारे को देखने को मिल जाता है हमारा स्पीकर। तो गाइस स्पीकर जो है बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन आपको जो फिनिश है और जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी दे देता है। तो गाइस मान लीजिए अगर आप अपने रूम के अंदर रखते हैं, अगर आप अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं, इसको बेडरूम में रखते हैं, तो गाइस ये आपको एक नेचुरल फील देगा बिकॉज इसके अंदर आपको वुड यूज़ करा गया है। तो उस वजह से जो स्पीकर की लाइक पूरी ओवरऑल लुक है वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। सो गाइस बॉक्स के अंदर ही अंदर आपको इसके साथ साथ इसकी चार्जिंग केबल भी मिल जाएगी, साथ साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाती है कैसे आप इसे यूज करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे। एंड थर्डली इसके अंदर आपको एक ऑक्स केबल भी मिलती है। तो गाइस ब्लूटूथ की स्पेसिफिकेशन के बारे में आप लोगों से बाद में बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले हम ब्लूटूथ की एक बार हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी एंड हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन चेक कर लेते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं ये है ब्लूटूथ स्पीकर। एंड गाइस जब ब्लूटूथ स्पीकर को आप लोग हैंड में उठाएंगे तो गाइस बहुत ज्यादा भारी नहीं है जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेकिन जो इसके अंदर आपको स्पीकर मिलते हैं वो 20 वॉट्स के स्पीकर हैं। तो गाइस जो आपको बेस होगा ट्रेबल होगा वो बहुत ही ज्यादा ऑन द पॉइंट होगा इस स्पीकर के साथ। एंड गाइस जैसे आप देख सकते हैं सामने में आपको आयरन मैन का फेस देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये आयरन मैन का फेस मैंने बोला कंपनी को कि आयरन मैन का पुट कर दो, तो इसलिए उन्होंने कर दिया। तो इसका मतलब कि ये गाइस ये जो स्पीकर है ये कस्टमाइजेबल है, आप इसे अपनी नीड्स के मुकाबले कोई भी कस्टमाइज कर सकते हैं। सामने अपना लोगो छपवा सकते हैं, सामने कोई भी अपना टेक्स्ट जो एनग्रेव करवा सकते हैं, या जो भी आपको चाहिए आप उसके ऊपर छपवा सकते हैं, चाहे फिर वो आपकी लाइक फेस हो क्यों ना यहाँ पे आप कुछ भी छपवा सकते हैं जो कि आपका मनपसंद कैरेक्टर हो, चाहे मनपसंद आपको कोई टेक्स्ट हो। तो गाइस वो सब चीज़ें यहाँ पे आप सिंपली एनग्रेव करवा सकते हैं इस ग्रिल के ऊपर। एंड गाइस बेसिकली इसके बहुत अलग अलग मॉडल्स आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं इस मॉडल को। एंड गाइस ये जो मॉडल है ये करीब करीब 2900 रुपीज़ का आ जाता है। एंड गाइस ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसकी शिपिंग है, साथ साथ COD भी अवेलेबल है। साथ साथ गाइस यहाँ पे आप इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद नहीं आता, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। और गाइस चेरी ऑन टॉप ये वाली बात यहाँ रुकते हैं कि कंपनी ने आप सभी लोगों के लिए इस चीज पे डिस्काउंट हमारे को कूपन दिया है। तो जो डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्काउंट कूपन मिल जाएगा, आप लोग जाइए आपको 600 से लेके 500 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाएगा सारे स्पीकर्स पे। तो गाइस ये तो बहुत ही बढ़िया वाली बात हो गई। सुन लेते थोड़ी साउंड क्वालिटी इस ब्लूटूथ स्पीकर की। तो गाइस साउंड क्वालिटी की बात करूं तो गाइस अमेजिंग है। एंड यहां पे जो है मैंने ट्रैक प्ले करा जैसे आप सुन सकते हैं, और मैं अभी चुप होता हूं और आप लोग ट्रैक सुनिए। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने सुना ट्रैक कितना ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। एंड गाइस यहाँ पे जो है मेरा लाइक जो माइक है वो जस्टिस नहीं करेगा इसको कैप्चर करने में, बट रियलिस्टिकली गाइस जब आप इसको इन पर्सन सुनेंगे तो आप लोगों को सच में मज़ा आने वाला है। और आप लोग सोचेंगे कि आपने 2900-2500 जो भी स्पेंड करे होंगे आप लोगों को लगेगा कि वो वेल स्पेंड है, क्योंकि जो स्पीकर है सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो इसकी डैम्पनिंग है वो वुड की जरिए ज़्यादा अच्छी होती है, जिस वजह से हमें जो यहाँ पे बेस है वो अच्छा मिलता है और ट्रेबल जो है वो खिलके आता है। तो इसलिए जो स्पीकर है गाइस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट
तो इसलिए जो स्पीकर है वो गाइस प्लास्टिक वालों से ज़्यादा बेहतर है, और मैंने ये प्लास्टिक वालों से भी लाइक मैंने कंपेयर करने की कोशिश करी, लेकिन गाइस वो जो थे बिल्कुल इसके आगे कुछ भी नहीं टिक पा रहे थे। जो इसके अंदर बेस है गाइस, ट्रेबल है, साउंड क्लैरिटी है, वो किसी भी स्पीकर में नहीं थी। ये जो है गाइस मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है सबसे पहली बात। तो गाइस अगर आप लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को अगर एम्फोसाइज करना चाहते हैं, अगर आप लोग उसे प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप लोग ये स्पीकर खरीद के उस चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। सैसद गाइस ये जो है वुड के थ्रू बना गया, तो इसलिए गाइस ये थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम भी लगता है और आपके घर को एक नेचुरल फील भी देता है अगर आप लोग इसे रखते हैं अपने ड्राइंग रूम, डाइनिंग टेबल या फिर कहीं पर भी। एंड गाइस यहाँ पे आपको अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, ऊपर की साइड में यहाँ पे आपको अलग अलग बटन्स देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस मोड्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फोटो मोड भी मिलता है इसके अंदर, जिसके थ्रू आप सेल्फीज क्लिक कर सकते हैं। तो मतलब ब्लूटूथ से कनेक्ट करिए, सिंपली सेल्फीज क्लिक कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको रेडियो भी मिल जाता है इसके अंदर, तो अगर आपके घर में कोई रेडियो सुनना चाहता है आप रेडियो के इसको उस काम में ले सकते हैं। सस्ते गाइस यहाँ पे आपको जो बैटरी मिलती है, बैटरी बैकअप जो मैंने जो देखा वो कम से कम गाइस 5 घंटे का तो आराम से आपको दे देगा इन अ मीडियम वॉल्यूम। तो गाइस मैक्स वॉल्यूम में कोई 4 घंटे तो सुन नहीं सकता, मैंने मीडियम से लेकर लो वॉल्यूम पे सुना था इसको, तो 4-5 घंटे बड़े आराम से सर्वाइव करा। एंड उसके बाद कहने लगा बैटरी लो प्लीज़ रिचार्ज, तो हाँ उसके बाद मैंने इसे कनेक्ट करा। अभी तक मुझे इसके अंदर कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आई, ना ही कनेक्टिविटी इशूज आए, ना कुछ हुआ। बाकी जो मेरे को चीज़ सबसे बढ़िया चीज़ लगी वो गाइस इसका है एस्थेटिक्स, बिकॉज ये वुड का बना हुआ है बेसिकली, तो इसलिए जो एस्थेटिक्स हैं इसके और जो इसका मैं बोलूँगा जब आप इसे रखते हैं अपने टेबल पे तो किस लुक जो है वो अलग ही दे प्रोवाइड करता है आपके रूम को। साथ साथ आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है अपने आप में ही। एंड गाइस ये जो प्रोडक्ट है अमेज़ॉन के ऊपर भी है, लेकिन जो आप लोग अगर कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो आपको ये वेबसाइट के ज़रिए ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर वो ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे गाइस जो मैंने आपको बताया साउंड क्वालिटी, गाइस साउंड क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया। सही से साउंड क्वालिटी की बात करिए तो गाइस बिल्ड क्वालिटी भी बनती है, तो गाइस बिल्ड क्वालिटी सबसे बढ़िया इसलिए भी है क्योंकि गाइस ये प्लास्टिक का नहीं बना हुआ, ये वुड का बना हुआ है। सो गाइस वुड के बने होने से इसके अंदर ये है कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो ज़्यादा अच्छी है, अगर ये गिरता भी है तो गाइस इसके टूटने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। साथ साथ गाइस इसके अंदर आप जो है पीछे की साइड में ऑक्स लगा सकते हैं, एसडी कार्ड लगा सकते हैं, माइक्रो यूएसबी के थ्रू गाने सुन सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको होल लॉट ऑफ ऑप्शन मिल जाते हैं, तो गाइस यहाँ पे कंपनी ने किसी चीज़ में भी चीप आउट नहीं करा और वो जो है आपको बिल्कुल बढ़िया प्रोडक्ट दे रहे हैं जितना प्राइस आप पे करते हैं। तो गाइस स्टार्टिंग जो है इनकी वो 1400-1500 रुपीज़ से है, जो कि आप अगर कूपन कोड लगाएंगे, सबसे छोटा मॉडल लेंगे इनका तो करीब 1100-1200 रुपये का पड़ जाएगा अगर आप कूपन कोड लगाते हैं। तो गाइस सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जरूर चेकआउट करें और मेरे को बताइएगा आप लोग को आज ये वीडियो पसंद आई या नहीं आई। एंड मैं आपको मिलता हूँ ऐसी सीरीज के अंदर। टिल द टाइम रेस्ट गाइस।